ये ट्राइबर सिंह, ये देखें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये देखें इंडी की ओर, ये भी रानी खेत में मुफीद है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये ड्रॉपिंग भी हम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिन बाद वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि फार्म की भी सफाई का काम चल रहा था और हमारे ये चूज़ों को रानी खेत की बीमारी भी लग गई थी, जिसमें से हमारे 3 चूज़ एक्सपायर हो गए हैं। बबलू भी चला गया है हमें छोड़कर। तो जिन भाइयों के पास भी मुर्गियाँ हैं, अगर उनकी भी है या उन्हें पता नहीं है कि कैसे पता चलेगा कि रानी खेत की बीमारी है, हम उसको फौरी तौर पर उनका ट्रीटमेंट करें, तो मैं आपको बताते चलूं। अगर आपके आपके पास अगर छोटे चूजे हैं या मुर्गियां हैं, उसकी बीट पर आप नज़र रखें। अगर उसकी बीट में पानी पानी आ रहा है, बिल्कुल ना पानी, तो आप समझ लें कि आपकी मुर्गी को या चूज़े को रानी खेत के जरासीम आ चुके हैं। तो उसको फौरी तौर पर आप रानी खेत के इंजेक्शन लगवाएँ या दवाई पिलाएँ ताकि वो जरासीम ख़त्म हो जाए। मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये इनकी ये बीटे देख लें, ये भी बेहतर हो गई। पहले बिल्कुल पानी पानी थी, ये देखें अब माशाल्लाह बेहतरी आ गई है, बिल्कुल पानी पानी। उससे ये होता है इनमें पानी की कमी आ जाती है, ये फिर चल नहीं सकते, बैठ जाते हैं। तो आप इनका इसका इलाज भी मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने इनको क्या कौन कौन सी दवाई पिलाई है। तो माशाल्लाह ये सारे एक्टिव हो चुके हैं अब आपके सामने, माशाल्लाह सारे खा रहे हैं। अच्छा, हम लोग इन्हें बाजरा खिला रहे थे लेकिन फीड अब ने दोबारा से इन्हें खिलाना शुरू कर दिया। फीड से ये होता है कि माशाल्लाह उसमें ताकत वाकत होती है, हर चीज़ फीड से ये सही है, माशाल्लाह खाते हैं शौक से। बाजरा को इतने शौक से ये नहीं खा रहे थे। तो अगर आपके पास भी मुर्गियां हैं तो आप लोगों को पता नहीं है कि हमें पता किस तरीके से चलेगा कि रानी खेत की बीमारी है या कोई और बीमारी, तो हमेशा आप उसकी बीट पर नज़र रखें और आपका जो भी मतलब एक चूज़ा मुर्गी होगी वो थोड़ा ढीलापन होगा, सुस्त होगा, उसको फौरी तौर पर उसका ट्रीटमेंट करें, उसे दवाई पिलाएं ताकि वो जरासीम फैले ना, वहीं ख़त्म हो जाए। हम लोगों ने इन्हें ORS भी पिलाया, पेनाडोल भी पिलाई दवाई, और इसके अलावा रानी खेत का जो ड्रॉप्स होते हैं वो भी हमने पिलाए इन्हें, माशाल्लाह से कंटिन्यू रखा हमने एक हफ्ते तक, सारे माशाल्लाह एक्टिव हो गए। पता हमें भी नहीं था कि ये रानी खेत की बीमारी हमारे एक चूज़े को था, वो ढीला सा हो रहा था ना, तो हमें उससे पता चला, लेकिन हमने उनका फौरी तौर पर ट्रीटमेंट किया, माशाल्लाह रिज़ल्ट आपके सामने, सारे चूज़े अब हमारे एक्टिव हैं, इन्हें दाना भी खा रहे हैं माशाल्लाह से, घूम रहे हैं। पहले सारे ये सुस्त हो रहे थे, ढीले हो रहे थे, एक्टिव नहीं थे। लोगों को बतानी थी कि किसी भी भाई के पास अगर मुर्गियाँ हैं, चूज़े हैं, उसे पता नहीं चल रहा, तो फौरी तौर पर वो अभी से ही रानी खेत का वैक्सीनेशन करवा लें, क्योंकि रानी खेत की बीमारी बहुत फैल रही है तेज़ी से। तो उससे बेहतर है कि अगर आपके चूज़ों या मुर्गियों पर वो जरासीम आ जाए तो उससे पहले ही आप उनकी वैक्सीनेशन करवा लें। सारे चूज़े माशाल्लाह देख लें आप, एक्टिव हो रही हैं सारे, ये देखें माशाल्लाह इन्हें प्लेट खिला दिए, अब ये जो बच्ची कुछ ये वो चुन रहे, माशाल्लाह सारे एक्टिव हो चुके हैं। ये ट्राइबर सिंह, ये देख लें, मुर्गियों में जरासीम बीमारियों के इलाज के लिए ये भी हमने पिलाई है। इसके अलावा ये देखें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये देखें इंडी की ओर, ये भी रानी खेत में मुफीद है, ये देख लें आप लोग, ये ड्रॉपिंग भी हमने करवाई है इन्हें। इसके अलावा ये देखें पेनाडोल, पेनाडोल का सिरप भी हम लोगों ने, ये मेरा 2 बोतल इससे पहले खाली हो चुकी है, ये तीसरी बोतल है पेनाडोल की ना। इसके अलावा ये देखें फ्लेजल दवाई,
फ्लेजल का भी इस्तेमाल करवा रहे थे हम लोग, वो इसलिए क्योंकि इन्हें मोशन हो रहे थे, लूज मोशन जैसे हो जाते हैं ना, तो उससे इन्हें कमज़ोरी आ गई थी, तो फ्लेजल भी हम लोग पिला रहे थे इन्हें। ठीक है, इसके अलावा जो था ओआरएस भी हम इन्हें पानी में बना के दे रहे थे। हर 6 घंटे बाद हम इनकी दवाई चेंज कर रहे थे ताकि इनके जो मोशन है लूज मोशन वो भी ठीक हो सकें और इनमें कमज़ोरी भी ना आए। ओआरएस इसलिए इन्हें हम पिला रहे थे क्योंकि ये टांगों से बैठ जाते हैं, कमज़ोरी आ जाती है तो टांगों से बैठ जाते हैं, चल फिर नहीं सकते हैं और खुराक इतनी शौक से नहीं करते हैं। अच्छा, अगर आप पैनाडोल नहीं है तो कालपोल भी आप पिला सकते हैं, हम लोगों ने कालपोल का भी इस्तेमाल किया था, तो माशाल्लाह रिज़ल्ट आपके सामने। ये चीज़ें आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ, जिस भाई के पास भी है उसे समझ में नहीं आ रही है कि क्या मसला है, तो फौरी तौर पर अपने चूज़ों मुर्गियों को रानी खेत की वैक्सीनेशन करवाएं। रानी खेत की बीमारी तेज़ी से फैल रही है, हम लोगों से गलती ये हुई थी, हम लोगों ने इन्हें जब चूज़े थे छोटे थे हम लोगों ने इनकी वैक्सीनेशन नहीं की थी, लेकिन अब जाके मैंने इनकी वैक्सीनेशन माशाल्लाह कर दी है, सारे चूज़े माशाल्लाह देख रहे हैं आपके सामने। इंशाल्लाह आप ट्राई करें, रिज़ल्ट आपको बेहतर मिलेगा।